बाहर के मन आके जब यहाँ बंगाली आते तो बंगाली में बोला थे, उड़ीसा के मन आते तो उड़िया में बोला थे, है नहीं, महाराष्ट्र के मन आते तो मराठी बोला थे, तो हम लोग वहाँ जा छत्तीसगढ़ी बोले, मामला का शरम छत्तीसगढ़ी में ही कथा हुई वहाँ। हाँ अब वो तो विशेष अभी चला थे हुई हमार टाइटल में डाल देता कुछ कुछ माता मन बात मन हाओ ओ फूलमती फूलमती तोर कैसे लागा थे कहीं तो ठंडा के दिन है ठंडा लागा ऐसे कह के कुछ ना कुछ डाल देता ना। अरे ये के ये कैमरा वाला पूरे पूरे कर रहा था पूरे पूरे भाई में कर रहा था ओके भाई भाई चलो कम से कम मोबाइल में सब बंद रखो कथन ध्यान दे जाएगा। जय जोहार जय छत्तीसगढ़ संगवारी हो, मैं आपन के पुष्पा साहू और सीजी इंटरव्यू में आपन के स्वागत है। संगवारी हो, जैसे कि आप मन ला पता है कि मोर चैनल है सीजी इंटरव्यू, जे में मैं है जम्मो कलाकार मन के इंटरव्यू लेत हो। तो संगवारी हो, हमार आज के हमार पौना हावे कीर्तनकार कथावाचक कामता प्रसाद महाराज जी। तो संगवारी हो, आओ गोट बात करथन। तो सर्वप्रथम हमारे चैनल में आपके स्वागत है महाराज जी। जी ठीक है, बढ़िया, शुभ आशीर्वाद। अच्छा महाराज जी, हम तो सबसे पहले आप मन से ये जानना चाहब, जैसे कि आज आप मन आए हो बिलासपुर, तो हम आपसे ये थोड़ा सा जानना चाहब कि का कार्यक्रम में आज आप मन आए हो और आप मन ला कौन यहाँ का माध्यम से आप मन आए हो। हाँ, यहाँ बिलासपुर मोपका गांव में श्रीमान मोहन श्रीवास जी और श्रीमती पूजा श्रीवास एमन भागवत जी का आयोजन करे हैं, तो वही में रात्रि प्रोग्राम में हमार कथा होना है अभी आज। महाराज जी, हमन आपके थोड़ा सा जीवन परिचय जानना चाहब। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, हमन तो बचपन से ही कथा में जुड़े हैं ना, मतलब तो पूरा फैमिली कथा बोलत आते हैं, पिताजी मन सब हमार मामा फैमिली मन सब कथा वाचक हैं और भाई मन भी हैं, और कृपा है भगवान के हमार गुरु आश्रम सिरकट्टी आश्रम प्रातः स्मरणी श्री असिया 108 श्री भुवनेश्वरी शरण जी व्यास ब्रह्मलीन हो चुके हैं, ओकरे आशीर्वाद से हमन आश्रम से ही दीक्षा दीक्षा प्राप्त करें और वहीं से हमारा कथा प्रसारण हो। जी महाराज जी, आपन के जन्म स्थान कहाँ है और आपन के पढ़ाई कहाँ तक के हो? हाँ, मैं जन्म स्थान छुरा हरदी गरियाबंद जिला में छुरा नगर पंचायत है, वहीं पास एक हरदी ग्राम है, वहीं मोर जन्म स्थान है। ऐसे तीन जगह मोर घर है, गरियाबंद मजर कटम भी है हरदी में, और फिर अभी वर्तमान में कुड़ेरा दादर में निवास करा था। आठवीं तक के इसने स्कूल में पढ़े ना, ओकर बाद फिर शिक्षा दीक्षा आश्रम में भी समाप्त, वहाँ गुरुकुल स्कूल संचालित है तो वहीं सब चला। तो महाराज जी, जैसे कि आपन तो सोशल मीडिया में बहुत ही ज्यादा वायरल हो, छोटे से बच्चा मन भी आप मन ला जाना थे, तो आप जैसे कि जब छत्तीसगढ़िया में जैसे आप मन करते हो, मतलब भजन उजन जैसे गाते हो ना, वो एक गाना आप मन के हावे फूलमती फूलमती, तो ला कैसे लगा थे, चला दो लाइन सुना देते भाई। अब वो सब टाइटल रहते आजकल पब्लिक ला कई प्रकार के बात रहते श्रोता उनकर, अब मन हरे भर रात्रि जगाना है तो ये सब चीज टाइटल के बात है, वहाँ एक मतलब डालना पड़ते है, किसी कर भी श्रोता कई किस्म के श्रोता है तो कुछ सुना देते। हाँ ठीक है ना, अभी तो रात में सुनाबो ठीक है, वो समय के अनुकूल बनते वो चीज मन सब। हाँ, ऐसा कार्यक्रम में चलत रहते तो सब उस निंदा भगाए बार आदमी के है नहीं, हंसी लाए पर ये सब कुछ डालना पड़ते आजकल, सब ये भाव है। महाराज जी, हमन आपन से ये जानना चाहब, जैसे कि आप मतलब कोनो कथा वाचक करे बर बुलाते, तो जैसे आप छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़िया में बोलते हो, तो जैसे बाहर देश जात हो तो छत्तीसगढ़िया में बोलते हो कि हिंदी में बोलते हो आप मन? नहीं, बाहर में भी, अभी अपन महाराष्ट्र जाबो 18 से 25 जनवरी तक हमर कथा महाराष्ट्र गोंदिया जिला में हुई, तो वहाँ छत्तीसगढ़ी में ही बोलबो। भाई बाहर के मन आके जब यहाँ बंगाली आते तो बंगाली में बोला थे, उड़ीसा के मन आते तो उड़िया में बोला थे, है नहीं, महाराष्ट्र के मन आते तो मराठी बोला थे, तो हम लोग वहाँ जा छत्तीसगढ़ी बोले, मामला का शरम छत्तीसगढ़ी में ही कथा हुई वहाँ। जी तो महाराज जी, हमन आपके कथा वाचक कीर्तकान सब हमन तो मतलब सोशल मीडिया में ही सुने हैं, अब आप आज आपसे आमना सामना हुए तो कुछ आपके मुख से सुनना चाहे बोल। जी जी हाँ बिल्कुल, अब वो छत्तीसगढ़ी में तो हमार कथा चलते रहते प्राय, अब छत्तीसगढ़ी में ही कथा बोलता हम, और जीवन में मोर यही सार बात है कि छत्तीसगढ़ में हम जन्म धरे हैं और हमरे भाषा हम ही मन नहीं बोलबो तो छत्तीसगढ़ महतारी जय जरूर बोलते, अब बोल ही छत्तीसगढ़ महतारी जय और भाषा के उपयोग आदमी नहीं करे तो ये ठीक नहीं है,
एकर से तीन छत्तीसगढ़ी में ही बोलता हूँ ज्यादातर कथा तो कुछ सुना देते दो लाइन। हाँ, अभी तो सुंदर राम जी के स्थापना दिवस है 22 जनवरी को, और समस्त भारतवासी मल्ला शुभकामना है भगवान के स्थापना दिवस में दीपावली तरह माने, और हर घर में पूजा यज्ञ हो और कृपा भगवान के सब ऊपर प्राप्त हो, यही संदेश। और विशेष समर्थ हो भाग्य उदय हो थे 22 जनवरी को राम जन्म कथा वहाँ बोलबो हमन महाराष्ट्र में, और वही कारण है कि वो मन महाराष्ट्र में हमार कथा रखे हैं कि मैं हमेशा छत्तीसगढ़ के बारे में बोलत रहता हूँ। राम के माता के जन्म स्थान हमारे छत्तीसगढ़ हरे, तो एकर से मन प्रेरित होके मन कथा रखें हमार मन की कि छत्तीसगढ़ से ही प्रवक्ता बुलाबो, और महाराष्ट्र में हमार कथा वही कारण से होते कि 22 जनवरी के राम लला के स्थापना है और वही पर्व में 9 दिन के कथा रख दें ऐसे कहें। तो 22 जनवरी की हमार कथा महाराष्ट्र में राम जन्म कथा वहाँ प्रसारण हुई। आप सब छत्तीसगढ़िया मन ला संदेश है, बिल्कुल लाइव चल ही, तो आप मन बिल्कुल कथा श्रवण करो और भगवान सबके बनौता बनाही। छत्तीसगढ़ी में हमार प्रिय भजन है, सबके बनौता बना दे मोरोला बना दे तेरा हे दया धाम, सबके करे सियानी दुनिया भर के बधे मितानी बेंद्रासन, इकरे से ती सब कोनो कही थे समझ नहीं आवे तोर रंग ढंग, बेंद्रा भल वाला संग धरे ते कभू मोर घर आ जति राम हे दया धाम सबके। तो ये भाव से कथा बोला था सबरिल, जैसे राम जी प्राप्त हुई वैसने समस्त भारत वासीला अयोध्या पुरी में राम के प्राप्ति हो बढ़ जाते, तो सब छत्तीसगढ़िया मल्ला पूरा भारत वासीला शुभकामना है भगवान के चरण कमल में भक्ति लगे रहे और ओकर आशीर्वाद प्रदान हो, बस यही भाव से। हाँ महाराज जी, जैसे कोई अपन मतलब कहीं भी कथा वाचा कराना हो आपने संपर्क करे बर है तो कैसे संपर्क कर सकते? हाँ, मोबाइल के माध्यम से काबर हमार तो अब कंटिन्यू रोज प्रोग्राम रहते, और हमारा खोज ही घर में जाके तो घर में हम नहीं रह पान मुलाकात वो मुश्किल है, तो मोबाइल के माध्यम से यूट्यूब में हमारे नंबर डलाए हुए हैं और जगह जगह कार्यक्रम सब होते तो केवल मोबाइल के माध्यम से ही बात हो जाते, और वहीं से सब प्रारूप डेट खाली है तो संपर्क बन सकते। और आप मन के कितना ठो मंडली चलत है, मतलब जैसे मानस मंडली है तो एक है कि और बहुत प्रकार के मंडली है? हाँ, हमारे आश्रम में तो ऐसे बहुत मंडली है, और हम जिन समय सीखत रहे थे में समय तो 15-20 प्रवक्ता साथ में रहन, और मैं कई प्रवक्ता मन स्वर्ग धाम जल्दी, और कई प्रवक्ता मन अभी बोला थे, और जय गुरुदेव के नाम से जतका भी मंडली हमार सब आश्रमी मंडली है और चला थे ओकर कृपा है भगवान के। अच्छा महाराज जी, जैसे हमें नवा युवा पीढ़ी है तो मतलब आप मन का संदेश देना चाहो? हाँ, नवा युवा पीढ़ी मतलब हम संदेश दे था कि भाई छत्तीसगढ़ चारों युग में नाम कमा है, और बिल्कुल जय जवान जय किसान कथन, लेकिन जवान मन अपन स्थिति संभालें, नशा से मुक्ति पाए, मेन कारण तो वही नशा है, और आजकल अपन अपन जिम्मेदारी नहीं निभा पाते, पहली सियान मर रही थी मन खेती बाड़ी करें और अपन स्थिति मजबूत बना कर रखे रहने चाहे जो भी स्थिति हो, और आजकल के लड़का मन पढ़ लिख के झलोक अपन स्थिति नहीं बना सकते, अपन शरीर बिगाड़ा थे गृहस्थी जीवन बिगड़ा थे, तो केवल नशा के ही कारण है, नशा से मुक्ति पाए और अपन काम काज में ध्यान दे, भगवान की कृपा होगी। जी महाराज जी, जाति बिराती जैसे कि आप मतलब पता है कि मोर चैनल है सीजी इंटरव्यू, तेकर माध्यम से आप हमर संगवारी जनता मतलब का संदेश देना चाहो? हाँ, अब ये सब नेटवर्क बने रहते मन सब न्यूज वाला मन अच्छा अच्छा चीज ला हमार जनता बीच में परोसते, तो देश विदेश के समाचार मालूम होते कहाँ का चीज होते, ये मन सब एक सूत्रधार है देश विदेश के अच्छा चीज ला जनता के सामने में पेश करे के, तो बिल्कुल चैनल वाला मन झलोक धन्यवाद है, ओकर माध्यम से हर चीज के विस्तार हो जाते और देश विदेश के खबर पता लगते, ये चीज पहले नहीं थी से तो कई कलाकार रहा गुमशुदा हो गए, बड़े बड़े कलाकार रहनो मन आगे नहीं बढ़ पाए, आज धन्यवाद है चैनल वाला मल्ला यूट्यूबर मल्ला और समस्त ये जे तकनीकी निकाले थे मल्ला जो अच्छा चीज के प्रचार होते भगवान के कृपा है,
ओकर दया लगे रहे, सबके चैनल चले, सबके कृपा बने रहे भगवान। ये बात तो महाराज जी जाति बराती मोर एक ठो खाई से भाई, मैं आप मतलब सोशल मीडिया में देखे हूँ गात, मैं तो छत्तीसगढ़िया, मैं आपके मुंह से कुछ एक ऐसा सुनना चाहूँ कि मोला तो ऐसे ही हंसी इतना आते तो और मैं हंसना चाहता हूँ भाई आप जी के सामने ही, तो कुछ सुना देते हो आप मन दू लाइन। हाँ अब वो तो विशेष अभी चला थे हुई हमार टाइटल में डाल देते हैं कुछ कुछ माता मन बात मन हाओ ओ फूलमती फूलमती तो कैसे लगा थे कहीं तो ठंडा दिन है ठंडा लगा ऐसे कह के कुछ ना कुछ डाल देते हैं, ये सब स्वाभाविक बात है और बोला हृदय से नहीं चला थे परंपरा के हिसाब से और कई ठन टाइटल में रथे वो चीज मतलब डाल देते हैं हंसी मजाक पर, ये बात है ये भाव। महाराज जी आप मन के बहुत बहुत धन्यवाद भाई, आपके इतना कीमती समय दे बर धन्यवाद। जी जी धन्यवाद, आप मतलब शुभ आशीर्वाद, आपके कल्याण हो बढ़िया, आपके YouTube चले, आपके चैनल प्रकाशित हो, यही भगवान से कामना। प्रेम से बोल गुरुदेव भगवान की जय। लेकिन कमाई के लिए है नहीं, अब यह उस साल का या कोई साधारण आपके लिए नहीं जा रहा, सात तारीख के लिए तो पेंशन हो गई से थी, मैं कौन नहीं पा कर से, हाँ कृपा हो गई भगवान का तब मिल गई साल भर के समय, हाँ ये बात हाँ मौका मिल जाएगा, तो कम से कम दया करो तो भगवान के नाम जाना ना, तो पर मोबाइल के सफा को दूसरा को सब, अरे नौकरी की जान का राधे 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 जगत करो जगत करो नाम।